हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में इंस्टेंट वेज पुलाव या बिरयानी बनाने की रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे मेथड से एक बार इस तरह से ये पुलाव बिरयानी ज़रूर बनाकर देखें, बहुत अच्छी बनती है और इंस्टेंट बनेगी। इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है कि आप इसका एक बार टेस्ट चख लेंगे तो आप बार बार इसी तरह से इसे बनाना चाहेंगे। तो चलिए फिर बिना देर के वे रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप चावल लिया हुआ है और इस चावल को मैं भिगो दे रही हूँ। पहले वॉश कर लिया, फिर भिगो कर रख दिया है। और इधर हमें अब प्रेशर कुकर लेना है। इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच तेल डाला है। इसमें 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डाली है और इस प्याज को हमें बिल्कुल गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, हमारी ये बिरयानी बनाने के लिए जो ब्रस्ता है वो तैयार है। इसको साइड पे रखते हैं और कुछ सब्जियाँ काट लेते हैं, जिसमें गाजर, कैप्सिकम, प्याज, हरी मिर्ची और पनीर लिए मैंने। सबसे पहले जिस तेल में हमने प्याज फ्राई की है, पनीर के पीसेस को हमें उसी तेल में फ्राई कर लेने हैं, क्योंकि पनीर को जब फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए, पनीर को हल्का सा मैंने गोल्डन ब्राउन सा कर लिया है और अब उसी तेल में मैं 1 बड़े चम्मच जीरा डाल रही हूँ और इसके साथ ही इसमें मैं अब प्याज डाल दूंगी। तो यहाँ पे जो खड़े मसाले यहाँ पे डालते हैं वो नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं इसमें बिरयानी मसाला डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे वो जो खड़े मसाले हैं वो मुँह में मिलते हैं, इसलिए अवॉइड किया है मैंने। और इसके साथ ही मैं इसमें प्याज जो बारीक काट कर रखी थी वो डालकर इसको बिल्कुल अच्छा सा फ्राई कर ले रही हूँ। तो तकरीबन यहाँ पे जब ये हल्के से पिंक होने लगे ना, उसी टाइम में 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्याज फ्राई कर कर निकाल ली है। ये ग्रेवी बनाने के लिए हम प्याज को हल्का ही फ्राई करेंगे। और जब अदरक लहसुन डाल दिया है तो इसका मॉइस्चर ख़त्म होने देंगे और इसकी रॉ स्मेल जब तक ख़त्म नहीं हो जाए आना, तब तक इसको फ्राई कर लेंगे। उसी टाइम पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्ची, जिनको मैंने स्लिट लगा दिया है, और इसके साथ ही इसमें मैं गाजर, साथ में जो हमारी कैप्सिकम थी वो भी डाल रही हूँ। और अब इन दोनों को डालने के बाद में इसमें मैंने गोभी भी ली है, वो मैंने दिखाया नहीं बिगनिंग में। यहाँ पे गोभी के फ्लोरेट्स मैंने निकाल कर रखे हैं और इसके साथ ही इसमें आलू भी डाल रही हूँ। तो सब्जियाँ आप खूब सारी अपने पसंद की डाल सकते हैं यहाँ पे। अब जो अदरक लहसुन हमारा भून रहा था, उसी के साथ में हमें हमारी सब्जियों को भी भून लेना है। सब्जियाँ भुनी रही हैं, इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, जिससे नमक हल्का हल्का पानी छोड़ेगा तो ये सब्जियाँ बहुत अच्छे से भुनेंगी। प्रेशर कुकर में इस तरह से वेज बिरयानी बनाने से क्या होता है ना कि इंस्टेंट बन जाती है और ज़बरदस्त बनती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो एक बार आप इस तरह से बनाकर देखिएगा। देखिए, थोड़ा सा बेस में लग रहा था मसाला, तो मैंने हल्का सा पानी डाला है और पानी छिड़क कर वापस से हल्का हल्का मैं भून ले रही हूँ। सब्जियों को इस तरह से जब मसालों के साथ में भूनते हैं तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब सब्जियाँ हाफ डन हो चुकी हैं। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। तो पाउडर मसालों में सबसे पहले मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1/2 छोटे चम्मच, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और यहाँ पे अब मैंने डाली है ये बिरयानी मसाला पाउडर, पूरा 1 सैशे मैंने डाला है। एवरेस्ट की शाही बिरयानी मसाला मैंने ली है और ये 2 बड़े चम्मच मैंने डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा 1/2 चम्मच गर्म मसाला भी डाला है। और अब सब्जियों को हमें इन मसालों के साथ में भून लेना है, जिससे मसालों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। अब यहाँ पे हल्का हल्का मॉइस्चर देने के लिए मैं दही डाल रही हूँ। आप चाहें तो, अगर आपके पास में दही नहीं है तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं। तो दोनों को नहीं डालकर कोई एक आपके पास में जो भी अवेलेबल हो वही डालिएगा। और अब हमें वापस से इसे भून लेना है। देखिए कितना अच्छा सा मॉइस्चर आ गया है इसमें। पानी ना डालकर आप इसमें दही डालें, दही की वजह से बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनेगी और बहुत अच्छे से मसाला भुनेगा भी। लास्ट में मैं इसमें पनीर के क्यूब्स डाल दे रही हूँ और इसके साथ में भी इसे भून लूँगी। तो सब्जियां बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी बनकर तैयार होंगी। यहाँ पे जो बिरयानी की ग्रेवी है बहुत अच्छी बनेगी। इसके साथ ही मेरे पास कुछ सन ड्राइड पीस थे, जिनको मैंने घर में ही ड्राई किया है। उसे गर्म पानी में मैंने 10 मिनट के लिए भिगोकर यहाँ पे डाला है। और अगर आपके पास में फ्रेश ताज़े हरे मटर मिल जाए तो आप वो डाल लीजिएगा। अच्छे से मिला दिया है मैंने और सब्जियां हमारी बिल्कुल कुक हो चुकी हैं। अब बिरयानी की लेयरिंग शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसमें 1 कप पानी डालेंगे। तो चावल के हिसाब से पानी डाला जाता है इसमें, और प्लस सब्जियों को गलाना कितना है उस हिसाब से डालना है। तो सबसे पहले नीचे बेस में हमें 1 कप पानी डाल देना है, और जैसे मैं मिला रही हूँ सब्जियों को, हिला रही हूँ, बस उस तरह से अच्छे से मिलाकर इसके ऊपर आप डालेंगे ब्रिस्ता यानी कि तली हुई प्याज। तो फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम कर दी है और देखिए पानी में बॉयल भी आ गया है। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है मैंने, और अब मैं इसके ऊपर हमारी जो वॉश करके भिगोए हुए चावल थे वो कच्चा चावल मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ। चावल को बिल्कुल हमें इस जो ग्रेवी है इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है बहुत अच्छे से। और जब चावल स्प्रेड हो जाए तो इसके ऊपर हमें वापस से कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ वो ब्रिस्ता, जो हम जनरली लेयरिंग में इस्तेमाल करते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बची हुई सारी तली हुई प्याज मैंने डाल दी है, ऊपर से अगेन बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ,
और थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल किया है मैंने, वो मिस हो गया है। नमक ऊपर से भी डालने से चावल फीके फीके से नहीं लगेंगे। तो जब लेयरिंग हमने कर दी है तो लास्ट में चावल को भी कुक करना है, इसलिए 1 कप पानी और डालेंगे हम लोग। तो टोटल हो गया यहाँ पे 2 कप पानी, क्योंकि चावल आधे घंटे पहले से भिगोया हुआ था। और अब यहाँ पे फ्लेम हाई करेंगे और एक विसल ले लेंगे। और जैसे ही एक विसल आ जाएगी, आप फ्लेम को बिल्कुल सिम कर दीजिएगा और इसी तरह से इस पर प्रेशर बनता रहेगा और ये दम हो जाएगी बिरयानी। उसके बाद में 5 से 10 मिनट तक आप इसे और छोड़ें और फिर इसका लिड हटाकर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब इसका प्रेशर खुद ब खुद रिलीज़ हो तभी आप इसको ओपन कर चेक कीजिएगा। ये देखिए, हमारी ज़बरदस्त सी वेज बिरयानी इंस्टेंट प्रेशर कुकर में बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त बनी है। देखिए, ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर दी हूँ मैं बारीक कटे हुए हरे धनिए के साथ में। और अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ, कितना अच्छा ये चावल बनकर तैयार हुआ है। जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते कैसे हैं, वैसी ही बिरयानी बनकर तैयार होती है। गजब का टेस्ट है, अमेजिंग फ्लेवर। सैलड या रायते के साथ में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। और अच्छी बात यह है कि इसको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बहुत ही कम टाइम में बस बनकर तैयार हो जाती है ये। तो जो भी आपकी फेवरेट सब्जियां हैं, आप उन सब्जियों को डालकर इस तरह से मेरे मेथड से ये वाली वेज बिरयानी प्रेशर कुकर में बनाकर देखिएगा। तो बस आप भी इस तरह से एक बार प्रेशर कुकर में वेज बिरयानी बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए और ट्राई करते हैं कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को 1 टाइम ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की और भी लेटेस्ट रेसिपीज़ मेरे चैनल पर भी हैं, तो एक बार जाकर चैनल विजिट कर सकते हैं। और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चले फिर मिलती हूँ मैं एक नेक्स्ट टाइम एक धमाकेदार और नई रेसिपी लेकर। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।